हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने वाले अपकमिंग KTM ड्यूक 490 के बारे में। देखिए, ड्यूक 490 के बारे में हमने काफ़ी बार सुना तो है और काफ़ी दिनों से हम ये इंतज़ार कर रहे थे कि ड्यूक 490 जो है वो ट्विन सिलेंडर बाइक होगी, यानी कि दो सिलेंडर बाइक जो है वो इंडियन मार्केट में आएगी। और हम काफ़ी दिनों से इसका इंतज़ार भी कर रहे थे। और 2018 को यहाँ पे KTM के CEO की तरफ से हमें ये पता चला था कि भाई KTM जो है वो 490 और 500 CC में काम कर रहा है। सो फिलहाल बाइक का क्या हुआ और अभी तक इसकी क्या न्यूज़ निकल के आई है, यार बाइक आएगी नहीं आएगी, इसके बारे में भी आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सबसे पहले दोस्तों, मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं कि अभी फिलहाल इंडियन मार्केट में कुछ दिन पहले एक न्यूज़ आई थी कि न्यूज़ में ये कहा जा रहा था कि KTM वालों ने अपनी जो ड्यूक 490 या 500 सीसी की जो बाइक है उसका इन्होंने काम जो है वो बंद कर दिया, उन्होंने शट डाउन कर दिया, ये काम ये लोग नहीं करेंगे, ऐसा करके एक न्यूज़ वायरल हो रही थी। बट मैं आपको क्लियर कर दूं यार कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। KTM ड्यूक 490 500 सीसी में ज़रूर लाएगी, क्योंकि KTM जानता है कि एक ट्विन सिलेंडर बाइक में काम करना बहुत ज़रूरी है इनके लिए अगर इंडियन मार्केट में इन्हें बने रहना है तो, क्योंकि 390 बहुत महंगी हो चुकी है सिंगल सिलेंडर में। और कहीं ना कहीं अब हमें जो ड्यूक 390 वाले जो राइडर है वो भाई कभी भी और उसके ऊपर KTM में अपग्रेड नहीं कर पाते हैं, वो सीधा जाते हैं फिर एक सुपर बाइक में जो कि KTM की तरफ से कोई भी अवेलेबल नहीं है। तो एक जो ऑप्शन है हमें वो मिलना चाहिए 490 में, ये भी आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। तो ड्यूक 490 हमें ज़रूर मिलेगी। हालांकि आपको पता है कि एक 790 आती थी, बट 790 को भी इंडियन मार्केट में डिसकंटिन्यू कर दिया गया, 790 भी फिलहाल अभी अवेलेबल नहीं है। बात कर लेते हैं दोस्तों ड्यूक 490 के बारे में, क्या होने वाली, कैसी होने वाली है। देखिए, सबसे पहले अगर डिज़ाइन करें कि डिज़ाइन के बारे में बात कर लें तो ये ऑब्वियसली बात है KTM की जो अपनी 790 आती है उससे ही इंस्पायर्ड होने वाली है। इसका जो डिज़ाइन रहेगा, इसका जो लुक होगा, कुछ आपको वैसा ही देखने को मिलेगा। अगर दोस्तों बात कर लें इस बाइक के सबसे पहले फ्रंट लाइट के बारे में, तो फ्रंट लाइट में आपको इस पर सेम वही लाइट मिलेगी जो कि KTM की ड्यूक 390 में देखने को मिलती है। सेम एज इट इज जो लाइट आपको फ्रंट में देखने को मिल जाएगी। फ्रंट में आपको बाइक में जो सस्पेंशन मिलेंगे वो बहुत प्यारे 43mm के अपसाइड डाउन सस्पेंशन मिलेंगे, एपेक्स वाले, जो कि WP के काफ़ी प्रीमियम सस्पेंशन माने जाते हैं। ब्रेकिंग में आपको बाइक में डुअल चैनल एंटीलॉक ब्रेकिंग सिस्टम देखने को मिलेगा, जी ABS जो कि डुअल चैनल मिलेगा। और तो आपको बता दूं कि इस बाइक में फ्रंट में जो आपको प्लेटें मिलेगी वो दो प्लेट मिलेगी, नंबर ऑफ टू आपको प्लेट जो है वो फ्रंट में देखने को मिलेगी, डिस्क प्लेट, ठीक है। तो ये भी एक परफॉर्मेंस ब्रेकिंग इसकी काफ़ी इंप्रूवमेंट लाएगा। प्लस फ्रंट में आपको बाइक में 120/70 के आसपास की जो टायर साइज है वो फ्रंट में हमें देखने को मिल सकती है। बात कर लेते हैं इस बाइक के इंजन स्पेसिफिकेशन के बारे में। दोस्तों, इंजन में आपको बताना चाहूँगा, इस बाइक में आपको 473 cc का लिक्विड कूल 4-स्ट्रोक पैरेलल ट्विन लिक्विड कूल जो इंजन आपको बाइक में देखने को मिलेगा, यानी कि ट्विन सिलेंडर जो बाइक है आपको इसमें देखने को मिलेगी। बात करें पावर के बारे में दोस्तों, तो ये बाइक अराउंड 55-60 के आसपास की PS पावर जनरेट करेगी, एंड 45-50 के आसपास का जो टॉर्क है वो हमें ड्यूक 490 में देखने को मिल सकता है। और मिनिमम इतनी पावर होनी भी चाहिए, क्योंकि एक 490 बाइक है और पैरेलल ट्विन इंजन है तो इतनी पावर तो होनी चाहिए, नहीं तो फिर सिंगल सिलेंडर ड्यूक 390 43.5 की PS पावर वैसे ही जनरेट कर रही है। तो इस बाइक में कम से कम इतनी पावर तो होनी चाहिए, तो मेरे हिसाब से इतनी पावर बाइक में आपको 110% मिलेगी भी। जैसे मैंने आपको बताया ट्विन सिलेंडर के साथ में है कि मतलब दो सिलेंडर बाइक में रहेंगे, पर सिलेंडर 4 वॉल्व मतलब 8 वॉल्व इंजन आपको ये मिलने वाला है। कूलिंग सिस्टम में बाइक में आपको लिक्विड कूल इंजन देखने को मिल जाएगा। फ्यूल सिस्टम में बाइक में FI आने वाला है, जिसे फ्यूल इंजेक्टर भी कहते हैं। बाइक में आपको बता दूं दोस्तों, स्लीपर क्लच के साथ में जो क्विक शिफ्टर है वो भी आपको KTM की ड्यूक 490 में देखने को मिल जाएगा। मतलब जो इंजन होने वाला है वो तो काफ़ी अच्छा होने वाला है। और ऑब्वियसली बात है दोस्तों, आपको पता है कि KTM को हम उसकी परफॉर्मेंस के नाम से जानते हैं, तो परफॉर्मेंस में इस बाइक का कोई भी तोड़ नहीं होने वाला। बात कर लेते हैं दोस्तों इस बाइक के परफॉर्मेंस में दोस्तों, ये बहुत तगड़ी होने वाली है भाई, बहुत तगड़ी होने वाली है। इसकी जो टॉप स्पीड रहेगी अराउंड 200 से 220 के आसपास की टॉप एंड जाएगी इजिली। और 0-100 में जैसे ड्यूक 390 को 5.4 सेकेंड के आसपास के लगते हैं, ये ओनली 4.9 सेकेंड में 0-100 करेगी। और माइलेज इसकी भी अराउंड 20 के आसपास की आपको देखने को मिल सकती है। रियर की तरफ में टेल लाइट में आपको बहुत ही शार्प LED टेल लाइट बाइक में मिलने वाली है। रियर में बाइक में आपको 150/60, 150/60 के जो टायर साइज है वो रियर में देखने को मिल जाएंगे। प्लस रियर में आपको बाइक में 230mm की जो डिस्क प्लेट है वो आपको रियर में मिलेगी, एंड WP के जो मोनोशॉक सस्पेंशन है वो आपको बाइक में मिल जाएंगे। बात कर लेते हैं दोस्तों इस बाइक के स्पीडोमीटर के बारे में। अब इंस्ट्रूमेंट कंसोल में आपको मैं बता दूं सीधे कि इसमें आप लोगों को सेम वही TFT डिस्प्ले देखने को मिलेगा जो कि KTM की ड्यूक 390 में यूज़ किया जाता है। और आपको बताइए भाई, जो ड्यूक 390 का स्पीडोमीटर है वो कितना ज़्यादा अच्छा है, फीचर
उसमें बहुत सारे देखने को मिलते हैं, लाइक स्पीडोमीटर, टेकोमीटर, ट्रिप मीटर, ऑडोमीटर, क्लॉक, ईबीएस लाइट, फ्यूल गेज, सर्विस रिमाइंडर, लो ऑयल इंडिकेटर, लो बैटरी इंडिकेटर, मतलब फीचर्स की वहाँ पे कोई भी कमी आपको नहीं मिलेगी। तो ये भी चीज़ मानना पड़ेगा कि जो TFT डिस्प्ले होने वाला है ये भी इस बाइक में काफ़ी तगड़ा होने वाला है। साथ में स्विचेस में आपको बाइक में, इस बाइक में हजार्ड का भी जो स्विच है वो भी ऐड किया जाएगा। बाकी सेम वही स्विचेस मिलेंगे जो कि KTM की ड्यूक 390 में देखने को मिल जाते हैं। बात कर ले दोस्तों लॉन्च डेट के बारे में, दोस्तों ये जो बाइक है 2023 के अगस्त मंथ में आपको देखने को मिल सकती है, ठीक है, जिसमें बहुत सारे चेंजेस होंगे। और प्राइस के बारे में बात करें तो अराउंड 370,000 रुपए के आसपास की आपको ये एक्सूरूम जो प्राइस आपको देखने को मिल सकती है। बाकी देखते हैं फिर क्या प्राइस में ये बाइक आ रही है। सो उम्मीद करते हैं आपको छोटी सी इंटरेस्टिंग वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं दोस्तों फिर नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल, जय हिंद, वंदे मातरम।